हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो ऐसे सिंपल फॉन्ट बताऊंगी जिससे आप इजीली नेम पेंडेंट बना सकते हो। मैं सबसे पहले A4 साइज़ पेपर ले लेती हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए, पेज साइज़ A4 होना चाहिए। अभी मैं आपको कोई भी नाम आप लिख लेती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे क्यारा लिख लेती हूँ। सबसे पहला मेरा फॉन्ट नेम है, मैंने सबसे पहले यहाँ पे आनंदा नमस्ते फॉन्ट लिया है। आप यहाँ पे इसकी साइज देख सकते हो, ये 24 mm है, ये यहाँ तक और बड़ा कर देती हूँ। इसमें आपको कोई भी एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप पास्ट में लाना चाहते तो ही करिए, वरना ये सारे फॉन्ट जॉइंट है और आपको बस इसको नीचे रखना है। कंट्रोल क्यू देन कंट्रोल शिफ्ट क्यू। अभी आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। ये देखिए आपका एक एक फॉन्ट है यहाँ पे। जो भी लेयर नीचे गई है आप उसको ऊपर ले आइए कंट्रोल होम प्रेस करके। इसकी थिकनेस है 1.30 mm। मुझे इसको पास में करना है तो मैं इसको थोड़ा पास में ले आऊंगी। अभी मैं यहाँ पे वर्चुअल सेगमेंट लीड चूज करूंगी। यहाँ से आप इसको कट करिए, आपको ये सब जॉइन चाहिए। इसको भी मैं नीचे और थोड़ा बड़ा कर दूंगी। यहाँ से भी इसको कट कर दीजिए। सबसे पहले इसको पॉइंट को mm में करिए। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज अगर ना दिखे तो विंडोज में जाकर डॉकर्स देन सबसे ऊपर प्रॉपर्टीज mm हेडलाइन में कर दिया है। स्पेसिंग का ध्यान रखिए, इक्वल स्पेसिंग हो सब में। जो भी आपको शार्प पॉइंट लग रहे हैं उसको कर्व कर दीजिए। कर्व करने के लिए आपको नोट्स क्रिएट करने हैं डबल क्लिक करके, देन उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ऊपर कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक कर दीजिए। मैं यही चीज़ सब में करूँगी, डबल क्लिक करके नोट्स क्रिएट करेंगे फिर। याद रखिए, अगर आप डबल नोट्स क्लिक कर रहे हैं तो इन तीनों को सेलेक्ट करके कन्वर्ट टू कर्व पे प्रेस करिए, देन आप अगर इसको करेंगे तो ये तीनों हट जाएगा, तीनों नोट्स चले जाएंगे। तो आप पहले बाहर प्रेस करिए फिर इस नोट्स को हटाइए। अभी मैं इन सबको जॉइंट कर दूँगी, ये सारे पार्ट अलग हैं, मैं इसको एक्स्ट्रा पार्ट हटा देती हूँ। इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल एल प्रेस करिए, देन इसको जॉइंट कर दीजिए। जो भी आपको जॉइंट करना है पहले कंट्रोल एल दोनों नोट्स को सेलेक्ट करके जॉइंट करिए। अभी यही चीज मैं इन सबके साथ भी करूंगी।
कंट्रोल एल, दोनों नोड सेलेक्ट करके जॉइन कर दीजिए। कंट्रोल एल, कंबाइन कर दीजिए। अभी आप अभी ये लूप लगा सकते हैं या फिर बाद में शोल्डर कर सकते हैं। मैं इसको पहले लगा रही हूँ। कंट्रोल शिफ्ट को, कंट्रोल होम, मुझे इस पार्ट को के साथ जॉइन करना है। हमारा पेंडेंट लास्ट में कुछ ऐसा दिखेगा। आप इसकी डायमेंशन देख सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा फॉर्म दिखाती हूँ और मैं कुछ भी नाम लिख लेती हूँ, जैसे अनुष्का। यहाँ पे मैं फॉन्ट लूंगी एथलेटिक आउटफिट। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं सारे फॉन्ट जॉइंट है, बस एक ए को छोड़कर। तो मैं यहाँ पे भी एक कंट्रोल शिफ्ट टू करूंगी। पहले यहाँ पे भी मैं पहले कंट्रोल क्यू, अभी आप देख रहे हैं ये लाइन अंदर जा रही है। जो भी लाइन अंदर जा रही है आपको इसको कट करना है। इसकी विड्थ चेक कर लीजिए, 0.5 mm से ज़्यादा होनी चाहिए। सबसे पहले मैं इसको अनग्रुप करूँगी। जितने भी आप देख रहे हो लेयर है वो ऊपर वाली नीचे चली गई है, तो मैं कंट्रोल होम प्रेस करके इसको ऊपर लाऊंगी। अभी आपको क्या करना है, इन सबको जॉइन करना है। अभी जो भी मेरा एन ए और यू एस है सारी अलग अलग है। ध्यान रखिए हर लेटर में इक्वल स्पेसिंग हो। मैं वर्चुअल सेगमेंट डिलीट से इसको कट कर दूंगी। अभी मुझे इस ए को एन के साथ जॉइन करना है, तो मैं यहाँ पे 3.5 टूल का यूज करूंगी। कंट्रोल एल,
अभी ये लाइन इसके साथ क्रॉस हो रही है, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दूंगी। सारे नोट्स को सिलेक्ट करके ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। ये आपका फाइनल पेंडेंट होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे 28 mm का ये पेंडेंट है। तो आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।